कालचक्र घूमता है, ऋतुएं बदलती हैं। मई जून का अंगारे बरसाता हुआ सूरज हर साल मन में बारिश के लिए तड़प पैदा करता है, और फिर हर साल बारिश का मौसम आता है। कभी कम कभी ज्यादा, हर साल बारिश होती है। इस साल भी हुई। त्या दिवशी पहिला पूर आला आणि शिशिटे अशा टुम भरल्या, तळे टुम भरले। सकाळी 7 वाजता जाऊन पूर्ण लोक ते डोंगरा बघून असे उड्या मारत होते, तळेत नाचायला पवायला लागले असे, हे माझं पाणी माझं पाणी म्हणून म्हणू। उड्या गाणे जाभंग हे असं महिलांचं चालू होतं, म्हणजे त्या पहिल्या पावसाचा त्यांनी एवढा आनंद घेतला, पावसात नाही भिजता आलं पण त्या आनंदात पूर्ण भिजून गेलं। मी जे शेततळं तयार केलं होतं ते शेततळं भरलेलं बघून मला आनंद माहिलने, मी पहिल्यांदा उडी मारल्यावर बाकीची लेकरं उडी मारली। अनुभव असा म्हणजे की पावसामध्ये पोऱ्यांनी लगेवर जाऊन शूटिंग केली, एवढं भारी दिसायला की वाटायला लागलं की कामं संपायला नाही पाहिजे, पूर्ण डोंगर शिवारच निघायला पाहिजे होता। खरंच असं वाटतं की या पाण्याने काही कोणी ठिकाणी मिळून की असं ठेवावं काय, असं म्हणजे मन भरून आलं होतं ते पाणी पाहता बरोबर। एखाद्या कुठं फिरायला गेले स्विझरलँड, तिकडे कसं वातावरण आहे तसं आमच्या गावाचं आहे। महाराष्ट्र के हजारों गांवों में इस साल जैसे एक अजूबा हुआ। इस साल बारिश का पानी गांव छोड़ के नहीं गया, गांव-गांव में ही ठहर गया। कभी ना हुआ हो ऐसी धूमधाम से महाराष्ट्र में पानी का स्वागत हुआ। पर यह कोई चमत्कार नहीं है, न कुदरत ज्यादा मेहरबान हुई है, न किसी और तरह का जादू चला है। ये नतीजा है एक जन आंदोलन का, गांव गांव में रहने वाले लोगों की मेहनत का, उनके पसीने का, उन लोगों की मेहनत का जिन्होंने खुद को पानीदार करने का जिम्मा उठा लिया। सरकार और उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा को प्रोत्साहन दिया, और साल 2016 में महाराष्ट्र के 3 तालुकों में शुरू हुई स्पर्धा 2017 में 30 तालुकों तक पहुंची, और इस साल 2018 में 2016 के मुकाबले 25 गुना बड़े पैमाने पर वाटर कप स्पर्धा महाराष्ट्र के 75 तालुकों तक पहुंच गई। 4,000 से ज्यादा गांव इसमें शामिल हुए। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में 57 ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना हुई। करीब 2 महीनों तक गांव से आए 20,000 से भी ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों ने पाणलोट विकास का वैज्ञानिक प्रशिक्षण लिया। फिर इन्हीं प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अपने गांव में जाके जल क्रांति के बीज बोए। पैंतालीस दिनों में वॉटरशेड डेवलपमेंट पाणलोट विकास का सर्वोत्तम काम करने वाले गांवों को सम्मानित करने वाली स्पर्धा की जबरदस्त तैयारी हजारों गांवों में युद्ध स्तर पर शुरू हुई। 8 अप्रैल को स्पर्धा शुरू होनी थी। 7 अप्रैल की रात से ही गांव में सूखे को मात देने की तैयारी के साथ लाखों जल योद्धा युद्ध शुरू होने की राह देख रहे थे। इन योद्धाओं ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। 7 अप्रैल को ठीक रात के 12 बजे एक फौज ने जैसे सूखे पर हमला बोल दिया।
45 दिन तक चलने वाले एक पागलपन की शुरुआत हुई। सूखे के खिलाफ एक जंग, अपने दम पर सिर्फ 45 दिनों में अपने आप को सूखा मुक्त कर लेने का एक पागल सपना। लोग सामाजिक दुरावा, पुरानी रंजिश भूल के एक साथ आ रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ सूखे से लोहा ले रही पांडवों की सेना बढ़ती गई और जैसे पागलपन का एक तूफान तेज होता गया। 45 दिवस एक एक मिनिट महत्वाचं आहे, एक एक मिनिट। आज जर एक एक मिनिट जर वाया गेला तर ते पुन्हा भरून काढता येणार का नाही काढता येणार। प्रत्येक आमच्या गावातल्या व्यक्तीने ठरवलेलं आहे की आपल्याला लढायचं तर कोणाशी, या दुष्काळाशी, आणि त्याला हरवायचं। भले ही बक्षीस मिळो ना मिळो, परंतु यातून गावाचा विकास होणार आणि याचा फायदा होणार। इन 45 दिनों में उगते डूबते सूरज ने हर रोज नए नए करिश्मों को घटते देखा। कहीं महिलाओं की ताकत थी तो कहीं युवाओं का संकल्प और कहीं बच्चों की सेना। मी सर्व विद्यार्थ्यांना तयार केलं व आमची घट्ट तुफान सेना तयार करायची। माझी 150 मुलांची टीम आहे। बोला मी का एक साथ। किसी के काम में पहलवानी थी। पहलवानांना कांग मेहनतीचं काम अवघड असतं, कारण व्यायाम वगैरे झालेला असतो, त्यामुळे एवढं थकवा जाणवत नाही, त्यामुळे सगळेजण चिकाटीने करते। तो कहीं उम्र की ढलती शाम में बुजुर्ग अपनी तकलीफ की परवाह न करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सुधार देने का पागलपन लिए हुए थे। हमारे तकलीफ होती, संध्याकाळी अंग दुखते, पैसा नसतो इंजेक्शनला, तर दोनला सुटल्यानंतर दुसऱ्याचा रोजगार करायचा, तिथून 4 रुपये आणायचं, मग इंजेक्शन करायचं, पण काम नाही सोडलं, जशी सुट्टी घेतलीच नाही। माझ्या जरी स्वतःच्या माझ्या धंदापिंडाचा फायदा जरी नाही मला लाभ जरी त्याचा मिळाला, तरी मुला लेकरं येऊ द्यायची, त्याचा जरी फायदा होईल। कहीं नई पीढ़ी अपने गांव को पानीदार करने के लिए एक विचित्र कसम उठा रही थी। हमने कहा सुनील भैया को, हम भी यही कसम खाएंगे कि जब तक हमारा गांव पानीदार नहीं होगा तब तक हम भी शादी नहीं करेंगे। और कहीं फौजी जवान अपने गांव को सूखा मुक्त करने के लिए कमर कस चुके थे। जय हिंद, नमस्कार, मी सुभेदार मुलानी रफीक। जसे आम्ही सैन्यामध्ये दुश्मनाला बाहेर काढतो तसंच आम्ही दुष्काळाला खदेडून रुई गावातून बाहेर काढणार आहोत। एक तरफ समाज का हर वर्ग सहभागी था तो दूसरी तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ सरकारी तंत्र, अधिकारी और कर्मचारी इस काम को चौगुनी गति देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ गाँव तक तेजी से पहुँचाने की बात हो, या जलयुक्त शिवार के जरिए गाँव को निधि उपलब्ध कराने का काम, या खुद मैदान में उतर कर सूखे से दो दो हाथ करना, हर स्तर पे उनका प्रशंसनीय योगदान रहा। ज्यावेळेस टिकाव फावडं घेऊन मी स्वतः श्रमदान केलं, किती ताकत लागते, किती गोष्ट म्हणजे एनर्जी खर्च करावी लागते, तर ते लक्षात आलं, पण मात्र समाधान मात्र यातून खूप मिळतं ज्यावेळेस आपण लोकांमध्ये मिसळून काम करायला लागतो। बऱ्याच दिवसानंतर श्रमदान केल्याचा योग आला आणि सर्वांसोबत केलं, त्यामुळे एक चांगलं टीमवर्क म्हणून निश्चितच एक आनंदाची ती बाब आहे। सरकारी तंत्र और जनता का एक साथ मिलकर एक समस्या पर विजय पाने का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। काम दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ने लगा। दिन के वक्त सूरज लोगों के जुनून का साक्षी बनता और जब रात के वक्त काल की कमान चांद को सौंपता तो चांद को जगह जगह अखंड श्रमदान करते हुए लोग नजर आते। इस अप्रैल की पूर्णिमा के चांद ने तो महाराष्ट्र में जैसे एक अलग ही पागलपन को देखा। न गांव सो रहे थे न शहर। एक तरफ गांव अपने शहरी मित्रों के स्वागत की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ शहरी लोग गांव में आने की। 1 मई का सूरज उगते उगते शहरी जल मित्रों की फौज गांव पहुंच चुकी थी और फिर मिलकर सूखे पे हमला बोला गया। मला खूप आनंद वाटतो, आज मी या मातीत माझे हात काम करतोय ते, आणि मला असंच काम करत राहावं अशी संधी मिळावी असंच मला वाटतंय। सारखं दर शनिवार रविवार मी असं वाटतं की मी या गावात येऊन खड्डे खणून पाणी जेवढं साचवता येईल तेवढं साचवीन मी। खूप छान वाटतंय, एक मानसिक समाधान महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं आज मला खूप मिळालं।
इथं म्हणजे मारून हाताला जरा घट्टे पडलेत आणि फोड आलेले आहेत ह्या कामामध्ये, पण त्याच्यात नाही आनंद आहे. म्हणजे मला जरी दिसत नसलं पण मी पण या समाजाचा एक नागरिक आहे, त्यामुळे मलाही सहभाग घ्यावाच लागेल. तर हे श्रमदान करून मला खूप आनंद होतोय. अन्न गुडगुडे, नाल गुडगुडे, दुष्काळ. एक दिन एक साथ शहरी और गांवकारी मिलकर 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने श्रमदान किया. इस जन आंदोलन को और बल देने के लिए स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री लोगों के बीच मैदान में उतर गए. समाजाने मनावर घेतलं तर काय परिवर्तन होऊ शकतं ते आपण या ठिकाणी पाहतोय. आता गावामध्ये प्रत्येकाचा धर्म पाणी आहे, प्रत्येकाची जात पाणी आहे, प्रत्येकाचा पक्ष पाणी आहे, प्रत्येकाचा गट पाणी आहे. हे खरोखर मला असं वाटतं की या वॉटर कपचं आणि पाण्याचं श्रेय आहे. सभी जैसे पानी के रंग में रंग गए थे. अनेक राजनीतिक पक्षों के दिग्गज नेताओं ने भी मैदान में उतर के इस जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया. शेवटी आपण लोकशाहीमध्ये वेगवेगळे पक्ष आहोत, वेगवेगळे विचार आहेत, पण प्रत्येकाचं अंतिम ध्येय एक आहे, ते लोककल्याण. आणि हे अनेक वेळा न समजून घेता आपण केवळ राजकारण करत राहतो, पण इथे पाणी कारण झालं. आणि याचं खरं श्रेय जर कोणाला द्यायचं असेल तर ते या वॉटर कपला दिलं पाहिजे, कारण त्यांनी अक्षरशः लोकांना वेड लावलं. हे सगळं पाहिलं की जसं त्यांना वेड लागतं तसं मलाही वेड लागतं. 45 दिनों तक एक उत्सव जैसा मनाया जा रहा था, श्रम का उत्सव. नाच गाने मजा मस्ती से भरपूर, कहीं खेल खेल में श्रमदान हो रहा था, Come on, चला, चला, चला। तो कहीं श्रमदान बढ़ाने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल. गोपाळ ने त्यांच्या घरी बोर्ड सुद्धा लावून ठेवलेला आहे तसा की बाबा जेने काही श्रमदानाला सकाळी येतील तिथे कामावर त्यांची दाढी आणि कटिंग फ्री केली जाईल. लहान थोर मंडळी सगळे आमच्या गावचे लोक येऊन काहीतरी पाणी फाउंडेशनचं काम करतील म्हणून मी हे निर्णय घेतला. पहिल्या दिवशी 25 आले, दुसऱ्या दिवशी 60 आले, पुन्हा 70 आले, पुन्हा रोज 5, 10, 15, 12 असे वाढत गेले. उधर पुणे के बीजेएस कार्यालय में एक अलग किस्म का पागलपन चल रहा था. गांव तक मुफ्त मशीन्स पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई. 6.25 लाख तास मशीन आम्हाला महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. म्हणजे आसपास के राज्यों तक से मशीन्स महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाई गई. काय आले गावात महिलांनी आणि लहान मुलांनी या श्रमदानात खूप काम केलेलं आहे, त्यांच्यासाठी हे जणू गिफ्टच आहे. इन मशीनों का गांव-गांव में ऐसा स्वागत हुआ मानो साक्षात कोई जलदूत पधार रहा हो. इन मशीनों को काम करने में कोई अड़चन ना आए इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. तुम्हाला आनंद वाटेल की आता शासनाने राज्यातले सर्व गावांसाठी 1.5 लाख रुपयाची योजना जाहीर केली की जो गाव स्वतः श्रमदान करून पाणी फाउंडेशनच्या स्पर्धेत सहभागी होईल त्या गावाला 1.5 लाख रुपये डिझेलच्या खर्चासाठी मिळणार. आणि म्हणतात जिल्हाधिकारीने हे काम पूर्ण केलेलं आहे. सरकारी मदत के आने से काम ने और तेजी पकड़ ली और कुल मिला के 8.5 लाख घंटों से भी ज्यादा बीजेएस द्वारा उपलब्ध कराई गई मशीनों ने गांव-गांव में जल संधारण का काम किया. गांव में चल रहे इस आंदोलन को देश विदेश से जल मित्रों का समर्थन मिला. भारतातील दुष्काळ विरुद्ध युद्धात आपण खूप छान प्रगती करत आहात. तुमची इच्छाशक्ती आणि चिकाटीला यश मिळो अशी आशा व्यक्त करतो. आम्ही मनापासून तुमच्या सोबत आहोत. और फिर स्पर्धा के 45 दिनों की कालावधि समाप्त हुई. देखते ही देखते इस जुनून ने गांव की धरती का नक्शा बदल के रख दिया था. इस सामूहिक पागलपन से कभी एक एक टैंकर को तरसते गांवकरियों ने अपने दम पे
महाराष्ट्र में 22,269 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता का निर्माण किया। ये इतना पानी है कि इसे यदि 10,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर्स में भरा जाए तो लगभग 2,22,69,000 टैंकर्स भर जाएंगे। और यदि इन टैंकर्स को एक के पीछे एक खड़ा कर दिया जाए तो वो पूरी पृथ्वी को 3 से ज्यादा बार घेर लेंगे। बाजार में इस पानी की कीमत 4,454 करोड़ रुपए है। इस साल की बारिश का पानी इसी इंसानी हौसले और हिम्मत से हैरान होकर गांव-गांव में ही ठहर गया है। आमचं गाव आता दुष्काळ मुक्त, टँकर मुक्त तर होणारच आहे 100%, पण आमचा गावाचा आदर्श बाकी लोक सुद्धा घेतील। अपने आप को एक साथ मिलकर पानीदार करने के जुनून ने मनों को भी पानी की तरह निर्मल कर दिया है। जलसंधारण आणि मनसंधारण ही जी वाक्य होतं ती खरंच होतं, खरंच जलसंधारणाबरोबर मनसंधारण झालं का तर खरंच झालं। गांव-गांव में लोग और पानी अपनी इस नई दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। कुदरत इंसान से और इंसान कुदरत से मिलकर खुशी से झूम रहे हैं।